गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू अवर मोस्ट नमस्कार। रेवर्ड गुरुजी, डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHR फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज का ये जो सेशन है, इस सेलिब्रेशन का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज का ये सेशन है। और इस सेशन को हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और सीनियर मेंटर डॉक्टर अभय कुमार सर होस्ट करने वाले हैं। मोहंती सर के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और अभी पिछले काफी लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करते रहते हैं। तो आज से पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार। सर। जी जी सर, तो ओवर टू यू सर। मोहंती सर के बारे में और होम्योपैथी के बारे में आपसे बेहतर हमें और कौन बता सकता है। ओवर टू यू सर। लोग दोनों को ही बहुत छोटे पुणे में थे जब हम लोग बहुत छोटे स्तर पे शुरू किया था। डॉक्टर मोहंती ने तो हम लोग वन ड्राम में मेडिसिन लेके आते थे, लोगों को देते थे। मैं नहीं करता था उस समय कुछ ज़्यादा, बस उनके साथ आता जाता था मेडिसिन के लिए, और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे हमारी फैमिली के लिए भी, वही कर देते थे। तो हम लोग शुरू से इस तरह से, फिर वो उनकी पोस्टिंग हो गई, ग्वालियर आ गए, फिर मैं दिल्ली आने लगा। तो रास्ते में उन्होंने मेरे को कुछ बुक्स दिया कि ये पढ़ना, ट्रेन स्टेशन आके ग्वालियर स्टेशन पर। तो ये सब 94 की बात है और हम लोग 87 से साथ में, 1987 से हम लोग साथ में थे वहाँ पुणे में, एक साथ रहते थे, खाना पीना एक साथ, हमारे हम लोग का मैरिज हुआ, बच्चे हुए, हम लोग बहुत घुल मिल के रहते थे। हमारे तीन चार लोग थे तो जस्ट एज ए फैमिली हम लोग रहते थे। तो उन्होंने पुणे से ही शुरू कर दिया था, फिर ग्वालियर आए, फिर वहाँ ने डिग्री किया उन्होंने, मेरे को भी एक दो बुक दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। फिर 1994 में मैं पुणे से दिल्ली आ गया, तो वो दिल्ली में ही थे उस समय। तो हम बैठते थे शाम में उनके क्लिनिक में जाके, तो बस ऐसे गपशप करने के लिए, कोई मैं सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन जब 2002 में उन्होंने ये मेथड, डॉक्टर सहगल वाली मेथड में इंट्री किया, तो बहुत नए थे वो, इंटर किए थे जस्ट, तब तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो डॉक्टर मान वाली बुक दी मेरे को और बोला इसको पढ़ो। हम ऐसे ही दिल्ली गए थे यहाँ से बागडोगरा से 2002 में, तो उन्होंने दिया, मैं पढ़ने लगा उसको, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जग गया, लोग ठीक होने लग गए ध्यान से पढ़ने से, तो थोड़ा लोग ठीक होने लगे तो मेरे को भी इंटरेस्ट जग गया। तो मैं पैसे वैसे नहीं लेता था उस समय, ऐसे ही लोगों का इलाज करने लगा। फिर 2002 नवंबर में मैंने एडमिशन ले लिया उनके कहने से। जब मैं वो पढ़ने लगा तो मेरे को थोड़ा नॉलेज बढ़ गया था। उन्होंने बोला यार इतना भर पढ़, इतना अच्छा कर रहे हो तो डिग्री कर लो। तो फिर मैंने 2002 में एडमिशन लिया और ये करता रहा, फिर प्रैक्टिस भी करता रहा और पढ़ाई भी होती रही। 2007 में मैंने डिग्री लिया, फिर अपना क्लिनिक करके अभी चल रहा है, और जो भी सीखा हूँ मैं उनका ही सिखाया हुआ है। और डॉक्टर गुप्ता का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, जो मैं भी अब उस ढंग से कि 2 मिनट 3 मिनट में पेशेंट को आराम मिलना चाहिए, तो ये डॉक्टर गुप्ता के बात बताए हुए तरीके से ना बहुत आसान है इस तरह से करना। तो डॉक्टर मोहंती का तो मैं क्या बोलूँ, हम लोग तो एक जो फैमिली मेंबर बोलिए या हमारी फैमिली के साथ या हमारे मदर फादर से दोस्ती जान पहचान सब कुछ हमारा एकदम फैमिली की तरह होता था। अभी भी मैं गया था दिल्ली तो उनके बच्चों से, वाइफ से मिला था और बातें होती रहती है हमेशा,
हमारा अभी कोई ऐसा, अभी भी ऐसे लगता है हमारा कि हम फैमिली हैं, एक साथ हैं हम लोग। तो अभी वो लोग तो पुणे चले गए हैं, तो मैं जब भी पुणे जाता हूँ तो मिल के आता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई वहीं रहता है, तो हम लोग का आना जाना लगा रहता है पुणे, तो मिलते रहते हैं हम लोग, बातें होती रहती है। तो सीखना है इस मेथड को, तो डॉक्टर मोहंती ने जिस तरह से मेरे को बताया, हल्का सा गाइड कर देते थे, थोड़ा सा मेरे को टिप्स देते थे, मेरे समझ में आ जाता था। हमारा इतना इतना ज्यादा दिनों का साथ था ना, अब आप सोचिए 87 से हम लोग एक दूसरे को कितना क्लोज होंगे, तो उनकी छोटी सी टिप्स से मेरे को समझ में आ जाता था कि क्या करना। उन्होंने ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हाँ शुरू शुरू में मेरे को बहुत उन्होंने गाइड किया, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे ये दबा दो इस तरह से, लेकिन बाद में बस थोड़ा सा हिंट दे देते थे, मैं समझ जाता। तो थोड़ा सा इस मेथड को करने के लिए मेरे हिसाब से जैसे उन्होंने बताया हुआ है, रिपर्टरी में रोज हमें रिपर्टरी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए माइंड वाली, और उसको लिखने का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कल का एक छोटा सा केस बताता हूँ। हाँ तो छोटी सी केस से हम शुरू करेंगे, और फिर बहुत सारी मेडिसिन का ना मैं सिंगल सिंगल ना एक फील बताऊंगा, करीब 20-22 मेडिसिन है वो आ जाएंगे, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, उसकी फील में बताऊंगा एक एक लाइन में। ये सब चीजें ना डॉक्टर मोहंती से मैंने सीखा, तो ये सब चीज मैं अभी बताता हूँ। अब कल एक छोटा सा केस बता देता हूँ, कैसे 2-3 मिनट के बाद ही वो पेशेंट बोल रहा है कि अच्छा लग रहा है। ठीक, तो ये पेशेंट कल आया और मैं रोज मिलता हूँ उसको, मेरे घर के पास ही रहता है, और उसको पता ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। अब ये समझ ले, रोज मैं आता जाता हूँ उसके घर के सामने, तो उसको किसी ने बताया, थोड़ा सा स्किन एलर्जी था, तो उसको बताया कि जाओ तो अंकल के यहाँ जा, वो ठीक कर देंगे, क्योंकि वो उसका ठीक हो चुका था। तो आया, ढूंढता ढूंढता आया, तो देखा दुकान, फोन से ही बात कर रहा है, कहाँ पे कहाँ पे, उससे बताया होगा, गाइड कर रहा था। आया, मैं बोला अंकल, वो मेरे को आगे बोल रहा, अंकल मेरे को तो पता ही नहीं था आपका दुकान है। मैं बोला तेरे को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं डॉक्टर हूँ। बोला नहीं अंकल, पता नहीं है मेरे को। तो बोलते अच्छा, बोला क्या हो गया? बोला देखिए ना, करीब 5-6 महीना से ना मेरे को ये हिप में और ये जांघ के बीच में बहुत खुजली होता है, तो मैं वहाँ केमिस्ट की दुकान से, वो बहुत फेमस है हमारे इलाके में, जो आसपास के लोग उसके पास जाते हैं दवा दे देता है, ठीक हो जाते हैं लोग। बोला मैं दवा खाया, उससे बड़ी बड़ी कैप्सूल भी दिया मेरे को, तो जब तक खाता था ठीक रहता था। तो मैं बोला अभी अभी ना मैं छोड़ दिया हूँ दवाई खाना, फिर बढ़ गया। तो मैं बताया उसको, किसी का नाम बताया उसने, बोला नहीं जा उधर, अंकल है ना उधर, सब ठीक कर देंगे। तो आया मेरे पास, मैं बोला अभी क्या होगा? बोला बहुत खुजली हो रहा, बहुत ज्यादा, एकदम से ना दवा छोड़ते ही मैं परेशान था, और मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं बोला पढ़ाई क्या किया? तो मैं थर्ड ईयर में पढ़ता था, अभी छोड़ दिया हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं बोला एग्जाम तो दे दे। बोला अच्छा सोचूंगा दूंगा। तो बोला थोड़ा सोच रहा हूँ कोई बिजनेस करूँ, बिजनेस के लिए सोच रहा हूँ। जस्ट मैं बात को, मैं समझ गया था इसको मेडिसिन देना क्या, तो छोटी सी बात में उसको, तो बात को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए और भी थोड़ा निकालने के लिए कि क्या है। मैं बोला अच्छा इसको लेके परेशान क्यों है? बोला अंकल अभी तो थोड़ा कम है, और कभी ज्यादा हो गया तो, ज्यादा हो जाएगा तो और परेशान हो जाऊंगा ना। मैं बोला अच्छा, तो बोला इसको खत्म करना। मैंने उसको दवा दे दिया, 30 पोटेंशियल में दिया, आप लोग भी समझ गए होंगे क्या दवा दिया। और 30 पोटेंशियल में दवा दिया और इधर उधर की बातें करने लगा, क्योंकि थोड़ा हमारे मेरे घर एकदम नदी के किनारे में है, बरसाती नदी है, बरसाती नहीं हमेशा पानी रहती है उसमें, पहाड़ी नदी है। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा प्लांटेशन का सोच रहे हैं, काफी लंबा एरिया है, तो अभी हम लोग 4-5 पेड़ वहाँ लगाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा घेरा वेरा बनाना पड़ता है, क्योंकि ये गांव का एरिया है, तो गाय बकरियां वगैरह खा जाती है पौधों, तो उसको घेरने के लिए तो वो भी है उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद मैं 5-10 मिनट के बाद बोला कैसा लग रहा है अभी? तो बोलता है अंकल अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है मुझे। तो मैंने 3 रूप लिख लिया उसको,
ठीक है, तो सबसे पहला तो रहा है कि बढ़ जाएगा तो परेशानी में, तो एक्स्ट्रा वैगेंस तो है ही है ना। और अंकल ये ठीक नहीं हो रहा, 6-7 महीने से ऐसा चल रहा, ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ मैंने ये जो ठीक नहीं हो रहा ना, इसके लिए मैंने लिया डिलीजन जर्नी इज ऑन ए जर्नी, कंटिन्यू चल रहा है ना उसके साथ। यहाँ हम डिलीजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड ले सकते हैं, लेकिन इसका जो बोलने का तरीका कि अंकल ये ठीक नहीं हो, 6-7 महीने से लगातार है मेरे साथ। तो मैंने ये दो रूब्रिक लिया और एक और कोई रूब्रिक लिया, तो बेलाडोना, ओपियम और एक और मेडिसिन। लेकिन इसका जो ओपियम का जो तरीका होता है ना, ये भी बोला कि मेरा ये बढ़ जाएगा तो तकलीफ होगी, लेकिन वो उसमें ना स्ट्रेस नहीं है। ओपियम में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, जिस बात को वो बोलना है उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, और बोलने का तरीका होता है ना कि एकदम से ना अंकल उस परेशान हो गया हूं। तो ये जो परेशान वाला रूब्रिक है ना, डिस्करेज मोरोज एंड, इस तरह से पेशेंट, अब तो अंकल अब ये बर्दाश्त से बाहर हो, डॉक्टर ये बर्दाश्त के बाहर हो, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब ये बस अंकल परेशान हो, ये जो स्ट्रेस है ये होगा तो डिस्करेज, मतलब क्या हुआ, निराश हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, परेशान हो गया, डिस्करेज निराश, मोरोज एंड और क्या, दुखी। नो रोज इन लाइफ, मोरोज का मतलब क्या, नो रोज मतलब मजा नहीं है लाइफ में, अब खुशी नहीं है। ये रूब्रिक मैंने बहुत बार लगा और इस तरह के स्टेटमेंट पे, लेकिन ये यहाँ ये बात नहीं कर, इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा था वर्ड पे जो है ना, ओपीएम वाले बहुत स्ट्रेस दे, तो आपको ओपीएम 6 महीने से अंकल परेशान, ये क्या बोल रहा है, 6-7 महीने से परेशान, एक्स्ट्रा वैगेंस है और डर भी बता रहा है कि ये अगर ज्यादा हो जाएगा अंकल तो तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा परेशान, परेशानी होगी, ठीक है। लेकिन बेलाडोना देने के 30 दिया मैंने उसको, और देखिए मुझे की बात जाने लगा तो बोला अंकल एक बार और दे दो ना 10 मिनट के बाद, मतलब इतना जल्दी है उसको ठीक होने की, कैरी डिजर्ट भी। तो ये चीजें हमें, और यहाँ क्या है, ये जो 6-7 महीने से ये जो खुजली उसको ना परेशान कर दिया है, थका दिया है, तो बेलाडोना जो है ना ऐसे ही किसी चीज से काम करके दौड़ के खेल के जब थक जाता है तब तो उसको रेस्ट चाहिए। हाँ, फील डिजायर तो मैंने लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा वैलेंस डिल्यूजन जर्नी इज ऑन अ जर्नी एंड किल डिजायर, और अभी क्या चाहिए उसको, ये जर्नी से रेस्ट चाहिए, बहुत हो गया चल चल के, अब मैं थक गया हूँ, दवा कर करके मैं थक गया हूँ, इसलिए मेरे को रेस्ट चाहिए। तो आप रेस्ट डिजायर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो बेलाडोना देने के बाद वो जाते जाते बोला अंकल बहुत आराम है, जो पहले हाथ ऐसे बोला ऐसे हाथ हटता नहीं अंकल, पीछे से हटता नहीं, जलन होता रहता। तो इस ढंग से हमें करना है ये सब चीजें जो है ना, ये डॉक्टर गुप्ता डॉक्टर मोंटी से हम लोग सीखे। तो इसके लिए आपको ना रूब्रिक का नॉलेज तो सबको अब है ही, ऑलमोस्ट सब लोगों को, और अच्छे से आप लोग करते भी, अच्छे से रूब्रिक लगाते, पेशेंट भी अच्छे से टेकर। तो जब भी हम पढ़ें, हम क्लास लें, कोई भी आप लोग में से जो भी क्लास लेते हैं, तो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, पहले आप बता दीजिए कि कौन सी मेडिसिन हम पढ़ें और कौन सी दवा पेशेंट है, मतलब हम जो मेडिसिन दिया है हमने वो कौन सी दवा है, ये क्विज नहीं करना है, मतलब लोगों का टेस्ट नहीं लेंगे हम लोग, आपस में टेस्ट नहीं लेंगे। जैसे ही आप बता देंगे कि मेरे को ये दवा मैंने ये दी है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, तो उनका क्या होगा ना, सारे लोगों का कंसंट्रेशन कहाँ आ जाएगा, उस दवा पे आ जाएगा, और वो कंसंट्रेट होके आपको सुनेंगे। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, टीचर आके पहले, कॉलेज में आके पहले,
क्या हमें बात पढ़ना है, टॉपिक बता देते थे तो हमारा दिमाग वहां आ जाता, तो हम और अच्छे से उस मेडिसिन को या उस सब्जेक्ट को समझेंगे। तो इस तरह से मैं जैसा लोगों को बता रहा हूँ और लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मैं पहले ही बता देता था कि देखो आज हम लोग ये दवा पढ़ेंगे। और तो फिर हम जब रूब्रिक डिस्कस करते थे तो उनका भी ध्यान होता था, वो भी बताना शुरू कर। तो हम लोग सारा रूब्रिक तो हम नहीं याद कर सकते, तो 10-15 लोग हैं हम लोग, तो वो लोग एक एक रूब्रिक, दो दो रूब्रिक बताएंगे तो हमारे पास 50 रूब्रिक होते। तो उनको पहले ये समझा देना है पढ़ाई करने से पहले, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, तो उसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट को बता दें, उसके बाद देखिए समझने का तरीका बदल जाए, याद होने का तरीका बदल जाए। तो अब हम लोग थोड़ा सा, मैं एक एक लाइन वाला आप लोग को बताना सकूँ, ठीक है? ये ऐसे ठीक है? हेलो, आप लोग थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए, ऐसा ठीक है? जी सर, जी ये केस सर, समझ में आ गया ना? ठीक है सर। हाँ, ओपियम भी है इसमें, इतना आप रूब्रिक लेंगे इसमें ओपियम भी आएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, ओपियम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, हाउ ही सेज, ठीक ना? ये चीज देखना, व्हाट ही सेज एंड हाउ ही सेज, ये चीज है ना, व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डज, हाउ ही सेज में जाएगा, तब देखिए आपको मेडिसिन फटक से आप पहुंच जाएंगे और फटाफट रिजल्ट मिलेगा। चलिए, एकोनाइट को क्या होता ना, एकोनाइट का क्या है, पेन लीड्स टू डेथ, ठीक है ना? पेन लीड्स टू डेथ, पेशेंट आके बोलता है, जब भी हम, जब कोई भी पेशेंट आए, पेट दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, किडनी में स्टोन का पेन हो रहा था, तो पेशेंट आके इस तरह से एक्सप्लेन करता है, हम पूछते हैं जब कि भाई जब पेन हो रहा था ना उस समय आपको कैसा लग रहा, पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मत पूछ, उस समय तो लगा कि मैं गया, बस जान निकल गई, ऐसा निकल ही जाता जा, इसके लिए रूब्रिक है ना, रूब्रिक टेलीविजन डाई, ही वॉज अबाउट टू डाई डिलीवरी ड्यूरिंग, डिलीवरी मतलब वो मतलब प्रेगनेंसी वाला डिलीवरी नहीं है, आपको जब दर्द महसूस हो रहा है तो आप अपने आप को जो कंट्रोल मैनेज कर रहे, कैसे अपनी फीलिंग को डिलीवर कर रहे, ठीक है ना, पेन के समय। तो ये है मैं इसको समझिए एक तरह से फील बता रहा हूँ कि एकोनाइट का, और मैंने ज्यादातर पेशेंट इस स्टेटमेंट पे ठीक होते हैं, हाँ, पेन लीड्स टू डेथ, और जैसे आप उसको समझाते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो ये है लाइट डिजायर टू परसीवर, आपसे वो हमेशा लाइट चाहता है एकोनाइट का पेशेंट, तभी आपके साथ वो चलता रहेगा, आप उसको बोल देंगे ये ठीक नहीं होता है तो ज्यादा चुपचाप उठ के चला, पेशेंट आपसे उठ के चला, आप उसको सांत्वना देते रहे अरे ठीक हो जाओगे, तो आपके साथ वो परसीवर करेगा, आपके साथ कंटिन्यू रहे, ठीक है? इतना लिख लिया आप लोगों ने, और आर्सेनिक के बारे में तो हम जानते ही हैं, रेस्ट कैन नॉट, जब तक उसका अपना ढंग से, इसीलिए वो रूब्रिक है रेस्ट कैन नॉट वेंट इन सार नॉट इन प्रॉपर प्लेस, रेस्ट जब तक आर्सेनिक ठीक नहीं हो जाता वो इधर उधर दौड़ता है, रेस्ट कैन नॉट आर्सेनिक का मेन फील है, बेलाडोना का, बेलाडोना का फियर पैरालिसिस, किस चीज का डर है, मूवमेंट उसका जो फ्रीडम है, अब रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, पैरालिसिस क्या है, टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है, फिर हम एक्सरसाइज करके ये करके हम हाथ को जहाँ पैरालाइज होता है धीरे धीरे उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन रह जाए, जो फ्रीली काम करने का लड़ना फ्रीली होना चाहिए, अब कल वाला ही पेशेंट को,
फ्री मोमेंट चाहिए, उसको दिक्कत हो रही है अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, इतनी खुजली होती है, तो उसके फ्रीडम को वो रिस्ट्रिक्ट कर। तो ब्लड होने का क्या है, फियर पैरालिसिस ऑफ, और वो और ज्यादा हो जाता है। और ये जब एकदम से फ्रीडम उसकी छिन जाती तब तो होता है एंग्विश वीपिंग विथ। मेरे एक पेशेंट है, वे करीब 15 साल हो गए, वो आए थे मेरे पास 2009 में, और उसको थ्रोट कैंसर हो गया था, और उसके सारे ट्रीटमेंट खत्म करके डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप इसको ले जाए, हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो कैंसर हॉस्पिटल में, अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। और ये हार्डली हफ्ता से 10 दिन में खत्म हो गया। और सही में वो बोली कि मैं, मतलब उसकी सांस लेके आई थी, वो तो कुछ नहीं बोल रही थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, उसकी सांस बोली कि ये एक एक ड्रॉप पानी इसके गले से नीचे नहीं आता, एक ड्रॉप पानी नहीं आता। तो नेचुरली भूखा रहेगा आदमी, कितना दिन जिंदा। और उसका एक्शन देखिए कैसे एंग्विश होता है, उसने ऐसे हाथ रखा हुआ था, ऐसे किया हुआ था नीचे, और उसकी आंखों से ना ऐसे एकदम, एक जैसे हल्का सा आप नल खोल दीजिए, उस ढंग से वहां से आंसू गिर रहा था, और पूरा नीचे फर्श गीला हो रहा था। तो ये क्या हुआ, उसकी मुझे इतना फ्री, 28 साल की लेडी, और उसका 4-5 साल का एक बच्चा था, बच्चे को भी लेके आए थे साथ। तो ये एंग्विश में क्या होता है ना, कभी तो हमेशा अपना एंग्विश एक एक्सप्रेशन है, उसमें आवाज आवाज नहीं होती। मैंने जितने भी केस में जो बोलते हैं ना, डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम, कभी काम नहीं आता है, डॉक्टर साहब इससे तो अच्छा है कुछ मर जाऊं, कभी काम नहीं आता ये रुकने। एंग्विश में एक्सप्रेशन होता है बस, आवाज नहीं होती, जैसा मैं समझता हूँ। आप लोग को दूसरे ढंग से मिलेगा, जैसा मैंने देखा कितनी बार, कभी ये बोल पेशेंट बोलते हैं कि मैं मर जा रहा था, सब ठीक है। तो वहां डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम कभी नहीं काम किया। ब्राइनिया क्या, सब लोग हम लोग जानते हैं, चूजे का गीले सरे। मैं एक एग्जाम्पल सकता, एक पेशेंट मेरी आई और उसके ना पिंपल्स, और उसकी शादी होने वाली है, बोली अंकल मेरे को तो 6 महीने बाद मेरा विवाह है, तो ये मेरा पिंपल्स ना इसको ठीक कर। बोला इसके लिए दवाई नहीं खाई, बोली करती थी, मैं अपने गांव गई थी ना, तो वहां से मेरे को एक ये दिया था, ऑइंटमेंट दिया था, और कुछ दवाइयाँ दी थी, मैं वो खाती थी तो थोड़ा तो ठीक रहता है, लेकिन मैं ये जो ऑइंटमेंट लगाती हूँ ना, ये मेरा मुंह को ना, चेहरे को पूरा खींचता है, बहुत तकलीफ होती है, खींचाव पड़ता है। तो मैंने बोला फिर क्यों लगाती हूँ इसको, मत लगाओ। बोला नहीं अंकल, लगाती हूँ तो ठीक रहता है मेरा चेहरा, मतलब वो कष्ट सहने के लिए तैयार है चेहरे को ठीक रखने। ठीक है, तो यहाँ तो मेरे को कोई रूब्रिक नहीं दिख रहा था, लेकिन ये दिख रहा था चूजेस द लेसर एविट, ये कष्ट जो है ना उसकी सुंदरता से ज्यादा अच्छा, मतलब कष्ट सह लूंगी, सुंदरता मेरे लिए खराब। तो एविल कौन सा, ये जो ऑइंटमेंट है एविल है, लेकिन सुंदरता उसका ज्यादा बड़ा है उसके साथ। तो वो ऑइंटमेंट को चुन रही है, भले इससे कष्ट हो रहा है मेरे, काफी लंबा केस था, लेकिन हमें कहीं से ब्राइनिया के लिए कोई रूब्रिक नहीं मिल रहा था। बस मैंने यही फील चूजेस था लेसर एबिक पे, उसको दवा दी और वो ठीक हो गए, शादी वगैरह भी हुआ, मैंने यहाँ रहती अच्छी। रूब्रिक क्या लिया, हाँ, और बताइएगा। रूब्रिक मैंने नहीं लिया, आपने आपको अभी बताया था कि फियर सफरिंग। एविल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ने अभी कहा ना कि इसके बेस पे दिया, तो जो एविल करके कुछ बोला ना वो, मैं वही कंपेयर करके आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्राइनिया का जो फील है ना, ठीक है,
इसको ऑइंटमेंट लगाने से बहुत तकलीफ होती है, चेहरा खींचता है, लेकिन वो पिंपल्स नहीं निकलते। तो मैं बोला छोड़ दो मत लगा। बोला नहीं नहीं अंकल, नहीं लगाऊंगी तो चेहरा पूरा पिंपल्स भर जाएगा मेरा। तो ये है चूसिंग, क्या चूज कर रही है, कष्ट को चूज कर रही है, किस लिए, कि चेहरा मेरा ठीक है। ये ज्यादा बड़ा तकलीफ है, चेहरा खराब हो, है ना, है कि नहीं, समझ रहे बात को। हाँ, यस सर, ये चीज समझना, ठीक है ना, जी 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 ठीक है। सर, और कैल्केरिया का आपका क्या है? एक्सक्लूसिव टू फियर सफरिंग में ये लाइट डिजायर है ना, ये सब हम लेते हैं, सही है। डिल्यूजन वॉच टू सीरीज यही है। इसका एक्सक्लूसिवनेस कब खत्म होता है? जब लोग इसको देखने लगते, इसकी बीमारी लोगों को दिखने लगती, उससे बचने के लिए कहाँ चले जाते, कंट्री साइड जहां उसको कोई नहीं पहचानता, घर में अपने आप को बंद कर लेती, बाहर नहीं निकलती। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक पेशेंट, वो लेडी को मैं जानता हूँ, रोज सुबह टहलने जाती, हाँ, और मेरे पास आई, बोली कि सर मेरे को ना ये घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब कब से है? बोली कि आज तो 4-5 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा। फिर आप तो वहां सुबह टहलने जाते हैं? बोले हाँ मैं नहीं जा रही हूँ अभी। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोली कि मैं जब तक लोग दो चक्कर, और उनका एज है 65, जब तक लोग एक चक्कर लगाते हैं मैं दो चक्कर लगा लेती थी। देखिए उनका कैसे बता रही अपने आप को, एक्सक्लूसिव ने शो दिखाना कि मैं अलग हूं, मैं दो चक्कर लगाती थी जितने में लोग एक चक्कर लगाते। तो पहला दिन तो लगा लिया, दूसरा दिन मेरे को ना ऐसे लगा कि थोड़ा गड़बड़ हुआ है पैर में मेरा, फिर भी मैं रुकी नहीं, दो चक्कर लगा के थोड़ा सा हल्का सा तकलीफ हुआ, जैसे वो थोड़ा सा सफरिंग वाली कंडीशन आई, तो मैं दो चक्कर लगाए, छोड़ी नहीं। तीसरा दिन डॉक्टर साहब ने जब एक चक्कर किसी तरह से पूरा किया कि लोगों को ये ना लगे कि मैं चल नहीं पा रही, और आके वहां कलवट पे बैठ गए। पुलिया है यहाँ, बहुत सारी नदियां, छोटे छोटे नदी नाले बहुत है, पहाड़ी एरिया है बहुत है, जहां आपको मतलब आप 5 किलोमीटर जाएंगे 10 तो आपको पुल मिल, इतनी नदियां हैं हमारे, बहुत हरा भरा इलाका। तो बोले कि मैं कलवट पे बैठ गई, अभी देखिए उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, कलवट पे बैठ गई, अब आने जाने वाला जो उधर जा रहा है और उधर से आ रहा है वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा मेरे को, लेकिन मेरी तरफ दिख रहा है ऐसे। ये मेरे को बहुत खराब लगा, और मैं अभी आपके पास आई हूँ, घर के बगल में रहती है, रिक्शा करके आई हूँ कि लोग देखे नहीं कि मैं लिंप कर रही हूँ, लंगड़ा के चल रही, और रिक्शा वाले को मैंने रोक के रखा है, वो जाना नहीं, मैं दवा लेके आऊंगी फिर तो चलना मेरे को लेके। ये होता है कैल्केरिया का एक्सक्लूसिवनेस, ठीक है ना। और भी दो मेडिसिन है, तो कभी और डिस्कस करेंगे, प्लेटिना और नेक्स्ट, है ना, करें। प्लेटिना का क्या, अपने आप को सुपीरियर समझता है ना, और नेक्स्ट तो है ही नहीं एक्सक्लूसिव, लेकिन दिखाने के लिए अपने आप को दिखाना है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये थर्ड जेंडर वाले लोग होते हैं, ये अपने आप को लड़की दिखाने के चक्कर में या महिला दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो सारा मेकअप करते हैं, उस तरह का ढंग करते हैं, लेकिन उनको भी पता है मैं महिला नहीं हूँ, है ना, लेकिन वो दिखाने का ढंग करते हैं। तो उनका यही है, एक्सक्लूसिव दिखाना है। मेरे से कोई नहीं प्यार करता है तो मैं कोचमैन से प्यार कर लूंगी, ड्राइवर से प्यार कर लूंगी, सब्जी वाले से प्यार कर लूंगी, मेरा भी तो प्यार करने वाला कोई होना चाहिए,
ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवनेस है नेचुरल, और सुपेरियरिटी तो है ही, डेलूजन सुपेरियरिटी ऑफ प्लेटिना का, तो वो एक्सक्लूसिवनेस। जेल्स का क्या, सीना का क्या, और कैमो मिला पहले तो सिविल कैमो, ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए मैं एक एक सेंटेंस में ही बता रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस में, कि आपको इसकी फील समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सीना का भी वही है, क्वाइटेट कैनॉट बी, क्यों क्यों साइंस में, तो कैमोमिला भी है, क्वाइटेट कैनॉट बी, लेकिन यहाँ सीना का क्यों, थोड़ा सा हमको थोड़ा दिमाग में आना चाहिए ना, क्यों है सीना क्वाइटेट में, क्योंकि वीपिंग विल इज नॉट डन, जब तक उसकी विल, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो रोते रहते हैं। आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं, शांत हो जाए, ठीक है। ये चार सीना, जेल्स में आना, जेल्स का क्या होता है, लूजिंग कंट्रोल, क्या मतलब, क्या लूजिंग कंट्रोल तो सबका, हार्मोनियम भी है ना, ठीक है ना, फियर फॉलिंग ऑफ, तो लूजिंग कंट्रोल में एक्चुअल में ये जिल्सिमियम का होता क्या, उसको क्या कैसा लगता है कि धरती मेरे जमीन नीचे से खिसक गई। स्ट्रमोनियम का क्या होता है, धरती हिल रही है इसलिए अपने आप को बैलेंस कर, और जिल्सिमियम को धरती निकलता हुआ दिख रहा है, इसलिए जिल्सिमियम का बच्चा या बड़ा कोई भी आपके सामने भी ऐसे बैठा, मैं पेशेंट एक बहुत पहले की बात, उसको बहुत तेज फीवर था, और वो लेडी आके कैसे बस आके ऐसे सो गए, और मैं उसको उठाने कोशिश करूँ तो ऐसे कर रही है, देखिए इशारा देखिए उस लेडी का, ऐसे सो गए, मैं बोला अच्छा क्या हो गया, तो ऐसे कर रही है ऐसा, तो नहीं मैं कैसे, मत पूछे मेरे को, डिस्टर्ब नहीं करिए, डिस्टर्ब मैंने जो अपने आप को जो कंट्रोल कर रखा है, अपने आप को ना कंट्रोल किया हुआ है, आप डिस्टर्ब करेंगे तो मेरा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कुछ नहीं पूछना है इसमें, देखिए इशारे से बता रही है कि मेरे को जेल से नियम दे, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल किया ऐसे ऐसे करके, तो नहीं है, चल के आई है क्लिनिक में बैठी है, लेकिन अब आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, कैसे बोल रही है कि नहीं डिस्टर्ब मत करिए, वो आवाज नहीं निकाल रही है मुंह से, डिस्टर्ब आवाज निकालेगी तो और उसका कंडीशन खराब होगा, ठीक है। ये है लूजिंग कंट्रोल जिल्सिमियम, वो अपने माइंड पे जो कंट्रोल कर रखा है, और लाइट डिजायर पॉजिटिव हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर सैगल की बुक में लिखा हुआ, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं छोटे छोटे केस बताता हूँ। एक कैंसर पेशेंट जिसको मतलब मुंबई से लाके घर में रख दिया गया, वहां बोल दिया कि नहीं अब नहीं बचे, वो लेडी को मैंने देखा वो दीवार की तरफ सर करके ऐसे चुपचाप किसी तरह से अपने आप को समेट के लेटी हुई है, क्योंकि पेन इतना ज्यादा है। तो घर वालों ने उनको बोला कि देखो डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, देखो। लेडी बहुत मुश्किल से धीरे से ऐसे थोड़ा सा अपने आप को पलटी किया, और मेरी तरफ उसका देखने का तरीका ऐसा था ना, वो जो देखने उसने जो मेरी तरफ देखा, कि आंखों में ना एक आग्रह था, एक रिक्वेस्ट था कि मेरे को ठीक कर दीजिए, ये है लाइट डिजायर पॉजिटिव, तो क्या चाहिए पॉजिटिवनेस कि मेरे को ठीक कर दीजिए, और अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसको जेंसिमियम दिया, और हम किसी सेमिनार के लिए आ रहे थे, मैं रास्ते में था, ट्रेन पकड़नी थी खुद पहले थी, तो मैं रास्ते में उतर के उसके घर गया, और लोग आए थे लेने, बोले मैं हम आपको स्टेशन छोड़ देंगे, तो दवा दिया, और वो लेडी 5 मिनट के अंदर जो मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखती थी, उठ के बैठ गई, और बैठ के मेरे से थोड़ी देर बाद की, मैं बोला देखो मेरे को देर हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, अब ठीक आराम है ना, बोले हाँ अभी दर्द नहीं है मेरे को, कहीं भी दर्द नहीं, अब
घर वाले भी बड़े खुश हो गए, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी ना इतनी सीवियरली खराब थी, कुछ नहीं कर सकते, इतनी खराब थी। ठीक है, लेकिन आपने थोड़ी देर के तो उसको जीवन में खुशी दे दिया ना, खुश हो गई, और मैं इतनी खुश हो गई, मुस्कुरा के बातें करने लगी, घर के लोग भी अच्छे से बात करना, सबके साथ बातें करते, उनको क्या मतलब क्या क्या, यंग लेडी, उसको घर के बाहर वाले रूम में सुना रहा रामदेव कि भाई अब तो इसका इसलिए घर के अंदर रखें। हिपर का क्या, हाइपर सेंसिटिव है ना, हाइपर सेंसिटिव, ये सारी चीजें छोटी छोटी सेंटेंस है, ये हिपर सल्फर आप लोग भी जानते हैं क्या रूब्रिक हो सकता है इसका, हाइपर सेंसिटिव है ना। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए मैंने कुछ पेशेंट को दिया, बहुत नहीं दिया हाइड्रोजन, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट, मतलब कोलेस्ट्रोल इतना ज्यादा बहुत हाई हो गया, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रोल जो जो भी है इतना हाई हो गया था, तो उसको मैंने दिया था। इसलिए डिल्यूजन बिट्रेड, फियर बिट्रेड में हाईएस्ट नंबर, और इसमें डिल्यूजन बिट्रेड, और बहुत सारा डिल्यूजन रिपीडिएटेड, बहुत सारे रूब्रिक मैंने लिए। तो छोटा सा थोड़ी देर के लिए मैं इसका एग्जाम, मैं आपको एक पेशेंट का बता देता हूँ। वो पेशेंट का भी ससुराल में भी बिजनेस है, और उसके घर में मायके में भी कपड़े का ही बिजनेस था। वो कलकत्ता से यहाँ पे आगे विवाह हो गया उस महिला का, और घर वाले बोले यार लोग साहब मेरे घर में भी तो बिजनेस होता है, मेरे घर में भी कपड़े का ही बिजनेस, लेकिन वो लोग आ जाते हैं जल्दी से दुकान वगैरह बंद करके, हमारे यहाँ 10 बजे तक खाना वाना हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ये लोग आते ही है 11-12 बजे घर में, फिर बोलते चाय बनाओ, चाय बनाते हैं, फिर 1 बजे हम लोग का खाना होता है रात। तो बताओ डॉक्टर साहब ये कुछ मतलब, हम तो सोचे थे यार हमारे घर के जैसा ही होगा, जैसे हमारे घर में माँ पिताजी, माँ पिताजी के यहाँ होता था फादर के, तो भाई लोग हमारे आ जाते थे टाइम से, हम लोग 11 बजे तक सो जाते, 9:30-10 बजे तक सब लोग आ जाते, तो हम लोग खाना पीना सीधा। तो ये जो है ना, मैं क्या सोच के, मैं मन में क्या बातें थी मेरी, वो तो पूरा नहीं हुआ। और जब मैं बोलती हूँ कि मेरे घर में ऐसे होता था, तो मेरे को झिड़की दे देते हैं, डांट देते हैं, ये रिपुडिएटेड, थोड़ा सा निग्लेक्टेड वाली बात, बहुत सारी रूबरी कह। तो हाइड्रोजन का क्या है, डेलूजन बिट्रेड, उसको लगा कि यार ये तो, ये इसके मन के फितूर है कि मैं यहाँ आके फंस गई, गड़बड़ हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया, फियर नहीं है, ठीक है, आए उसका तो पता ही है, तो बोलने की जरूरत। इग्निशिया का, इग्निशिया को हम लोग बोलते मोरल वगैरह सब कुछ है ना, लेकिन जनरली क्या होता है, पेशेंट आपके पास कब आता है, मोरल तो लेके नहीं आता, नेगेटिविज्म है ना, जब बीमार होता है, नहीं ठीक होगा मेरा, मैं ठीक नहीं होने, मेरा घर, मेरा पति कभी ठीक नहीं होने वाला, मेरी वाइफ ठीक नहीं होने वाली, डॉक्टर उसको कभी नहीं सुधारा जा सकता, ये सारी बातें पूछ, तो ये नेगेटिविज्म, इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म, इस ढंग से बोलना, जैसे बच्चे 8-10 साल के बच्चे होते ना, कैसे बोलते, नहीं नहीं मम्मी मेरे को नहीं, मेरे तुम मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो, मैं भी चलूंगा, इस तरह का, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, यहाँ लोग अच्छे नहीं है, इस तरह की बातें। इग्निशिया में हम माइंडनेस वाली बात है, सब कुछ है, मोरल फीलिंग है, सब है, क्यों है मोरल फीलिंग वो भी समझ में, लैकेसिस क्या है, कोई भी पेशेंट लैकेसिस वाला पेशेंट आएगा, तकलीफ है, सर दर्द है, डॉक्टर साहब मेरा सर दुख रहा है, अरे भैया देखो ना थोड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, सिटी है, लेकिन उसके बोलने में ना दुखी पर नहीं हो, दुखी हो के नहीं बोलेगा लैकेसिस आपके क्लिनिक में, थोड़ा सा उसमें ना तकलीफ है, आप देख रहे तकलीफ है। अब जैसे मेरा एक दोस्त आ गया, वो दिवाली के दिन ना थोड़ा सा अपने सीढ़ियों से नीचे गिरा, तो उसका पैर ऐसे मुड़ गया, तो आया हमारा एयरफोर्स का ही है,
हम लोग बहुत दिन से साथ में थे, तो यहाँ पोस्टिंग आया था, तो बोला यार देखो ये शुरुआत क्या कैसे, अरे यार देखना जो सीढ़ी उतर रहा था पैर ऐसे मुड़ गया, तो उस समय तो लगा मेरा जान गया, पर टूट ही गया, कट से आवाज हुआ। मैं तो अपने हॉस्पिटल में गया था, एक्सरे वगैरह सब करवा के आ गया, कुछ नहीं है, बोल रहे तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो देख यार तू तो कुछ कर, ये जो बोलने का तरीका ना, लैमेंटिंग पेन, अब कैसे बोल रहा है, मजे लेके बोल रहा है। तो ये विवेसिटी ना लेकेसिस की जाती नहीं, बच्चे भी आएंगे ना तो आप देखिएगा कि मतलब आप को इतना इन्वॉल्व कर लेगा ना वहां के आसपास के लोगों को, आएगा आराम से बैठेगा, नहीं बुखार भी है कुछ भी हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तब भी दो चार लोगों से, बच्चे आ गए तो उसके साथ खेलना चालू कर देंगे, देखा है हम लोगों ने सब ये सब चीज। उसको दे दवाई दिया, बोला यार पैर में ना कुछ हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिया उसको, बोला अरे पैर में ना कुछ इस अजीब टाइप से हुआ, और अभी देखो एकदम रिलैक्स हो गया मेरा पैर, या तो मारा मैं यार क्या दे दिया। ये जो तरीका है ना विवश्यस, ये लैकेसिस को परमानेंट रहता है, तकलीफ में भी ना वो उछल कूद मचाता रहता है, और खुद मतलब जो ये लैमेंटिंग में, लैमेंटिंग पेन अबाउट जो ना लैकेसिस में जो तरीका है, इसमें क्या होता है एक इमोशन होता है जुड़ने का, इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। अब लैकेसिस का बच्चा अगर आपके क्लिनिक में आ गया ना, तो आप भी उसके साथ खेलने लग जाएंगे, तो आपको फोर्स करेगा वो कि उसके साथ आप भी मिल गुल मिल जाइए, तो आपको भी मजा आने लगेगा उसके साथ खेलने में, ठीक है। तो उसको अम्यूज होना है, ये सब चीज हम जानते हैं। तो विवश्यस इसको दिमाग में रखिए, लैकेसिस का सिंगल वर्ड विवश्यस, लाइकोपोडियम क्या बॉस बट लैक करेज, ठीक है ना। लैकेसिस वाला लाइकोपोडियम वाला क्या, नेता लोग को देखते हैं ना, जब छोटा नेता है अपने मोहल्ले में तो बॉस बना हुआ है, जैसे उसका कोई बड़ा बॉस आ गया नेता, तो उसका जिंदाबाद जिंदाबाद चालू हो जाता है, फिर वहां उसके सामने वो डर जाते हैं, फिर वो करेज नहीं रहता, ठीक है। तो लाइकोपोडियम का यही है, जब वो अपना पावर में है तो बड़ा करेज दिखाता रहे, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई उससे ज्यादा पावरफुल आ गया वो गायब, उसके सब बॉस के लिए खत्म। तो लाइक नेचर में हम लोग तो कर ही लिए रिच लुकिंग वाला, उसको अंदर से होता है ये रिच लुकिंग, बाहर नहीं, बाहर तो उसे धज के रहता है, क्यों रहता है, दिखाना है, क्योंकि अंदर से उसको पता है कि मेरे में ये कमी है, मैं अच्छी नहीं हूं, उसको पता है, इसीलिए दिखाने के लिए एक्सक्लूसिवनेस दिखा। नक्स आर्डेंट है ना, तकलीफ है फिर भी अपने हाथ से काम करेगा जब तक कर सकता है, ये आर्डेंट नहीं, जब तक अपने हाथ से काम नहीं करेगा ना उसको शांति नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। किसी को क्या चाहिए, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, उसका दिमाग शांत नहीं होता, तो इसीलिए आर्डेंट है, जब तक अपने हाथ से काम नहीं करेगा उसको शांति नहीं मिलती है, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड ओपीएम का तो हम जानते हैं, एक्स्ट्रावेगेंस एंड डिस्क्रेस मोरोस एंड, एक्स्ट्रावेगेंस तो है, उसको वो कैसे एक्सप्लेन करें एक्स्ट्रावेगेंस, सब 3 दिन हो गए, सब 1 हफ्ता हो गया, तो सब 1 महीना हो गया, ऐसे एकदम से ना दुखी होके बात करें, और उस वर्ड पे बहुत जोर देगा, समय पे, पैसे पे, खर्चे पे, बीमारी पे, उस वर्ड जो है ना बीमारी का, उस पे ना स्ट्रेस रहेगा। ओके, फास्फोरस का क्या है, सीज है, सीज में और 2-3 मेडिसिन है, फास्फोरस का सीज टोटली मेंटल होता है, माइंड सीज कर जाता है, सब कुछ ठीक है, हाथ पैर सब ठीक है, इस तरह की कोई समस्या आया दिमाग में जो उसको काम नहीं करने दे रहा है, हमेशा फंसा के रखा, तो ये सीज जो है ना, आप उसमें हेल्पलेस लीजिए, हाइपोक्रेसिया लीजिए, बहुत सारे रूपी क्या, लेकिन ये ओपियम, ये फॉस्फोरस
मेंटली सीज होता है। जैसा कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप खुद भी आप जानते हैं हाई उसका कैसा होता है, थोड़ा सा मेंटल थोड़ा सा फिजिकल, कोई बीमारी उसको परेशान कर रहा है जिसके कारण से वो थोड़ा सा उसके मूवमेंट जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है या रुका हुआ है, वो काम नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा सा मेंटल भी हो रहेगा और थोड़ा सा फिजिकल भी रहेगा। और कैंथरीज टोटली फिजिकल हो। जैसे मेरा एक पेशेंट था प्रोस्टेट का कैंसर हो, अब वो कहीं आ जा नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया। तो मैं देखा उसका कंडीशन, उसको किसी तरह से गाड़ी में करके लाया, तो मैं बोला यार मैं घर आ जाऊंगा, क्योंकि तो आसपास हम बहुत बड़ी जगह नहीं है, ये छोटी सी जगह है, लेकिन छोटी जगह है, ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड में अकेला है जहाँ पे ग्राम पंचायत के अंडर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऐसा कहीं नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो बागडोगरा आप देखेंगे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है कि ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच कम्स अंडर ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इस चीज से आप समझ सकते हैं। तो मैं उसको, तो वो जो है ना सारा कुछ, उसको बिस्तर पे उसकी वाइफ पूरा, उसने कैसे बताया डॉक्टर साहब, जलन होती है ना पूरे बदन में, वो जलन जब आप पूरी सेकते हैं ना तेल में, पूरी बनाते हैं, पूरी जब आप छानते हैं, पकौड़ा छानते हैं, तो कैसे जलता है वो, वैसा जलन मेरे को होता है। देखिए एक्सप्लेन करने का पेशेंट का तरीका, वहां मैंने कैंसर, और जलन वगैरह तो ठीक हो गया, थोड़ा घूमने फिरने भी लगा, लेकिन कैंसर है तो, और एज भी बहुत हो गया था, 60-65 से ऊपर ही था। ठीक है, और रेस्टक्स का तो पता ही है, सुपरस्टिशियस, और एक्चुअल में फियर सुपरस्टिशियस से अच्छा रूब्रिक है रेस्टक्स में, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ पेशेंट। कल जैसे एक पेशेंट आए, कल की बात, लड़की सुंदर सी लड़की है, गोरी सी एकदम, तो, और अभी पढ़ाई कर रही है, एमएड कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उसके ना यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्राउन जैसा छोटा सा, बहुत ही छोटा, वो 3-4 सेंटीमीटर का एक स्पॉट हो गया। तो फटाफट खोल के दिखा रही है, ये देखिए सर ऐसा, उसकी मम्मी उसको बुलाई थी, लेके आई, तो मेरे ऊपर में ऑफिस है, उसी में काम करती है उसकी मम्मी, वो आई दिखाई, अंकल ये देखिए सर। बोला क्या हो गया अंकल, ये क्यों है? मैं बोला ये तो तुम्हारा यहाँ भी है, ऐसे दिखाया मैंने कि देख, नहीं, ये तो ऐसे ही खुद ही कर दिया था तो हो गया। तो मैं बोला ये भी ऐसे होगा? बोले नहीं अंकल, मेरे को डर लग रहा। बोला क्या होगा? बोला मेरे पापा को भी कैंसर था ना, तो मेरे को भी लगा कैंसर हो रहा। तो ये जो है ना सोच के ही डर लग रहा है कि मेरे पापा को कैंसर था, कैंसर मेरे को भी, इतना छोटा सा, यहाँ ये नहीं है, स्पून फुल ऑफ जो रूब्रिक लेते हैं हम लोग एगारिकस वाली, वो नहीं है, छोटी सी चीज को बड़ा बनाना, इसका जो डर है ना यही है, फियर थिंकिंग सैड थिंग्स। मैं उस कंडीशन में नहीं जाना चाहती हूँ जो मेरे पापा ने देखा, हेलो सर, इसीलिए। हाँ बोलिए 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 पूछिए। सर यहाँ पे फियर कैंसर क्यों नहीं लेंगे फिर? अरे यही तो सीखना है, अब डायरेक्ट वाला रूब्रिक नहीं जाना, पेशेंट के बात में, ये इसीलिए तो आप लोगों ये लिखवा रहा हूं। हर मेडिसिन का ना एक फील होता है, यही सीखना है, वाई में जाइए हमेशा कि क्यों इसने बोला ये बात, फियर कैंसर हम डायरेक्ट ले लें, है ना? ठीक है, उसने बोला आके तो मेरे को डर लग रहा है, लेकिन उसके साथ क्या बोला उसने, मेरे पापा को कैंसर था। ठीक है ना, तो उसकी सोच को समझना है, और मेरे पापा को जितना कष्ट हुआ है वो मैं नहीं चाहती हूँ, तो वो कष्ट होने से पहले डॉक्टर साहब मेरे को कुछ ऐसा दे दो, दवा दे दो, मैं ठीक हो जाऊँ। तो यही है कैरी डिजायर टू बी फास्ट ऑफ रेस्टॉक्स,
बीमारी खराब कंडीशन में जाने से पहले मेरे को ठीक कर, तो यही है फियर थिंकिंग सैड थिंग्स। अब जब आप सोच देखेंगे ना ये रूब्रिक, तब आपको समझ में आएगा कि रस्टॉक्स की बातें ऐसे क्यों है। ठीक है, बहुत सारे केस है। मेरे फादर खुद, मेरे भैया ने फोन किया घर से कि देखो ना बाबूजी 4-5 दिन से उठ नहीं रहे हैं और ऐसे पड़े हुए हैं, सब कुछ मेरे को इनको इधर ही कराना पड़ रहा है, बिस्तर में ही पेशाब पैखाना जो भी है खाना पीना सब ये बिस्तर पे ही कर रहे हैं। तो मैं बोला अच्छा बात कराइए, तो बात कराए हम। तो मैं बाबूजी मेरे बोले कि मेरे बाबूजी को भी ऐसे ही कमर दर्द हुआ था और उनको बोनटी भी हो गया, उनकी भी हो गया था। तो उस जमाने में हम लोग 68 की बात है, 65, 64, 65 की बात है, उस जमाने में हमारे दादाजी को बोन कैंसर हो जाता था, तो उस समय कोई इलाज नहीं था। हाँ, तो मेरे पिताजी को भी लगा कि मेरे को भी ऐसे ही दर्द शुरू हुआ है और मैं भी ऐसे ऐसी कंडीशन में रह जाऊंगा, बिस्तर में ही पड़ा रह जाऊंगा। तो पिताजी ने मेरे को बोला, मेरे को वही लग रहा है। तो मैं भैया को बोला कि घर में मैं दवा रख के आता था, तो भैया ने दवा बोला रस्टक्सिन को दे दीजिए, देखिए जो भी पोटेंशियल है दे दीजिए, दे दिया। फिर भैया मेरे को थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट बाद फोन किए, बोले यार क्या दवाई दिया, ये बाबूजी उठ के घूम फिर रहे हैं। बोला हाँ ठीक है ना, बोले हाँ एकदम ठीक है, घूम फिर रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई दर्द नहीं। बोले मैं पूछे दवा दर्द है उनको, तो पूछे बोले ना कोई दर्द नहीं है, ठीक हो। ठीक है, तो इस ढंग से हमें सोचना है, फियर कैंसर ऑफ वहां लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, और इतना फास्ट काम नहीं करेगा। अगर कर भी गया मान लीजिए, इतना फास्ट काम नहीं करेगा, समझ रहे मैम? जी सर जी, थैंक अभी यू समझ सर। में आया क्यों मैं ये रूब्रिक आप लोग को स्ट्रेस कर रहा हूँ? उसी तरह से हायोस में फियर बिट्रेट क्यों होता है, वाई फियर बिट्रेट, उसके लिए कौन सा रूब्रिक है? केवल ऐसे बोल देना कि फियर बिट्रेट लेना है, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा आप लोग का, 1 घंटा हो चुका है, बोलूं? सुनते नहीं सर, बोलिए। जी सर, रहेंगे, सुनेंगे ना। जी नहीं रंजीत बिल्कुल सर, सर। तो जो फियर बिट्रेट जो रूब्रिक है ना भाइयों के लिए, उसको पूछिए ना, अपने मन में पूछिए वाई वाई फियर बिट्रेट, ठीक है ना? तब आपको समझ में आएगा कि फियर बिट्रेड होता क्यों है। सर एक चीज पूछूं। हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पर आपने उनका वो लिया कि उनको फियर है, सर वो इम्प्रेशनेबल भी तो हो सकता है ना, कि वो इम्प्रेशन उनके दिमाग में छपा हुआ है कि कल ऐसा हाँ, हुआ है। ये बात आप, यही तो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब से, कल रात बात हो रही थी तो मैं बोला कि आप लोग सब जानते हैं, सारे रूब्रिक्स जानते हैं, लेकिन मैं आप लोग को हर मेडिसिन का फील बताऊं, क्योंकि ये मेडिसिन बता दूं, कोई केस बता दूं और फिर मेडिसिन उसका, और रूब्रिक तो आप लोग जानते हैं, हमें भी पता है, मैं देखता रहता हूं आप लोग का, इतना ज्यादा आप लोग पोस्ट करते रहते हैं, इतने रूब्रिक पता है आप लोग, बहुत है, सही है, लेकिन हर मेडिसिन की वाई के समझिए, ये रूब्रिक आया तो इसके पीछे का कौन सा रूब्रिक, कौन सा मतलब वाई वाला रूब्रिक कौन सा होगा? उसके लिए जो फियर बिट्रेड है ना, अब जैसे ये फियर सुपरस्टिशियस है रस्टॉक्स का, तो उसका क्यों फियर सुपरस्टिशियस है ये सोचे ना पहले, है ना? आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई करते रहिए कि ये सोचना चाहिए कि यस नहीं चाहिए, आप बताइए। सर सर, हाँ लेकिन यही है यहाँ ना। पे तो वो, हाँ जी हाँ सर, लेकिन यहाँ पे तो उसका वो है ना इम्प्रेशनेबल, क्योंकि उसके फादर, मतलब उनके फादर को ऐसा हुआ था, तो हाँ वो उन्होंने एक इम्प्रेशन कैरी किया है कि भाई ऐसे दर्द हुआ था, तो ये हो सकता है हाँ सही है। कुछ सर। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे पेशेंट बोला और फटाक से आप लोग रूब्रिक नहीं लगाए, आप इम्प्रेशनेबल लगाएंगे तो उसके पीछे वाला वाई वाला रूब्रिक कौन सा है, इम्प्रेशन आया कहाँ से, है ना? रूब्रिक उसके तो लिए नहीं रूब्रिक समझ आ लगाना रहा पड़ेगा ना वाई वाला। है। हाँ जी जब हम सेमिनार में जाते थे ना, तो व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, हाउ ही सेज एंड हाउ ही डज, व्हाई ही सेज एंड व्हाई ही डज, जब तक आप व्हाई वाले में जाएंगे ना,
तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मेडिसिन क्या दे। ओके, तो फियर बिट्रेड का जो वाई वाला रूब्रिक है, क्यों ये हमेशा डरा रहता है कि कहीं धोखा ना हो जाए, बिकॉज फियर परस्यूट ऑफ, ये कंप्लीट रिपर्टरी में रूब्रिक है, आप लोग देख लीजिएगा, फियर परस्यूट ऑफ। डॉक्टर मान की बुक पढ़ता था मैं शुरू में, 2002 में डॉक्टर मोहंती ने मेरे को बुक दिया था, तो बार बार वो लिखते थे कि ये कोई नए काम में, नया काम कुछ शुरू करना नहीं चाहते, लॉटरी में टिकट नहीं लगाना चाहते, पैसा उन्होंने लॉटरी पे पैसा नहीं खर्चा करना चाहता। तो हम, मैं वो सोचता था कि भाई इसका रूब्रिक क्या हो, है ना, ठीक है। और मतलब खाने के समय में उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इतने अच्छे ढंग से समझा रखा है ना डॉक्टर मान ने, छोटी सी किताब है लेकिन आप अगर उसको ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये बोलना क्या चाहते। तब मैं धीरे धीरे समझा, पढ़ने लगा वो बुक, पहले मैं शुरुआत उसी से किया था, मेरे को समझ में नहीं आया पहला चैप्टर बेलाडोना, मेरे को कम से कम ना 15 से 20 दिन लगा था, मेरे को कुछ जानता ही नहीं था, मैं दवाई तक का नाम पता नहीं था मेरे को, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि भाई ये इसको समझना पहले, तो मैं 20 से 25 दिन में केवल बेलाडोना का 4-5 पेज है वही पढ़ा था बस, जब उस थोड़े को समझ में आया तो मैं गोपियों पे गया, ऐसे कर करके मैं आगे बढ़ता, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा आगे नहीं बढ़ता। तो फियर परस्यूट ऑफ का मीनिंग ही होता है कि कोई भी नया काम करने से डरना, कोई भी धंधा, नया काम धंधा करना, नया बिजनेस करना, नहीं कोई नए डॉक्टर के पास जाना, सीखते हैं ना कि बिट्रेड के डर से ये डॉक्टर के पास नहीं जाता, नए डॉक्टर के पास नहीं जाता, अननोन डॉक्टर के पास नहीं जाता, है ना, फियर, फियर पास। इसके बहुत सारे रूब्रिक हैं इसके, इन सब आप लोग जानते हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये मैंने लिखा है इसके पीछे जाइएगा ना, पाई में जाइए, क्यों ये रूब्रिक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये रूब्रिक के लिए कौन सा रूब्रिक कारण है, इस कंडीशन में पेशेंट बिट्रेट कंडीशन में लाने के लिए कौन सा रूब्रिक इसके पीछे बैठा है, तब हम समझ, ठीक है। दस्तक का भी आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये हायोस का भी, इस तरह से सारे मेडिसिन का है, बेलाडोना का फियर पैरालिसिस क्यों है स्वीपिंग विथ क्यों है, ये सारी बातें समझनी है, उसके पीछे कहाँ पे वो रूब्रिक बैठा है जो हमें समझना है। ठीक, सल्फर का क्या है, रैग्ड फिलोसफर, अभी एक और कोई केस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं जहाँ पर क्लास ले रहा था तो वहाँ कुछ इस तरह से आया, रस्टक्स भी था, सल्फर भी आ रहा था और लैकेसिस भी आ रहा था, तो किसी को अलग करना और सल्फर को अलग करना जानना चाहिए बस, कि भाई लैकेसिस विवशियस होता है, सल्फर थोड़ी देर के लिए आपको टिप टॉप में दिखेगा लेकिन वो विवशियसनेस नहीं है, वो थोड़ा सा सीरियस होकर बात करें कोई भी चीज, आपको कि बड़ा वेल्थ दिखा रहा है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग दिखा रहा है, लेकिन वो विवेसिटी नहीं है उसमें, वो जो लैकेसिस में होता है। तो हमारा जो क्लास चलता है उसमें लोग समझ गए कि क्या कहाँ से हमें अलग करना है, क्योंकि मैं, क्योंकि आप सबको, मेरे क्लास में भी जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि रूब्रिक क्या है और कैसे लेना है, लेकिन वो जो उनके उस रूब्रिक के पीछे जो बैठा हुआ रूब्रिक है उसकी समझ होनी चाहिए, वो हम सीख लेंगे धीरे धीरे, सीख जाएंगे, कोई सीखना है एक्चुअली, ठीक है। स्ट्रमोनियम का क्या है, क्लिंगिंग विथ फियर, 2017 में ना, 15 या 17 में हमारे यहाँ बहुत भयंकर भूकंप आया, बहुत ही भयंकर, अब 42 सेकंड तक वो भूकंप चल रहा था, ठीक है,
हम लोग हमारे जो बिल्डिंग में जो क्लिनिक है और बिल्डिंग में जितने लोग हैं वो सब निकल के बाहर, बिजली का पोल ऐसे हिल रहा है और जमीन में ना ऐसे जैसे पानी का वेव होता है ना ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है जमीन के अंदर, फील हो रहा है कि ऐसे हो रहा है अंदर जमीन में। तो हमारा जो मकान मालिक बिल्डिंग मालिक है जो पूरा कॉम्प्लेक्स का, वो मेरे बगल में खड़ा था, जैसे पहला वेव आया ना वो मेरे को ऐसे पकड़ लिया, यही है स्ट्रांग नेम। जो कोई मिल जाए, कोई जरूरी नहीं आदमी मिल गया, पेड़ मिल गया, पोल मिल गया, कुछ भी मिल गया, क्लिंगिंग टू पर्सन एंड फर्नीचर, यही है क्लिंगिंग विथ फियर। समझ गया, अभी कोई डाउट है बताइए, पूछिए आप लोग। चलिए मैं हर केवल मेडिसिन का आप लोग को फील बता रहा हूँ। वेरिट्रम का क्या है, ये क्या है, कम्युनिकेटिंग विथ गॉड, ठीक है ना, ये गॉड से कम्युनिकेट करता है अपने आप को, बोलेगा अरे मेरे तो प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती है, मेरे को तो चीफ मिनिस्टर से दोस्ती है, अरे यहाँ के डीएम के यहाँ आना जाना है, ये जो पेशेंट बात करते हैं ना ये अपने आप को सीधा बड़े लोगों से कम्युनिकेट करता है। बता जी, मैंने वो दवा दिया था वेरिट्रम पर, उनका जो पैर में ना पूरे क्रैक्स थे, खून निकल, तो वो मेरे को दिखाते थे प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो है मेरा, उनको बुलाया गया था वो सेरेमनी में, बहुत बड़े सन्यासी तो उनको बुलाया गया था वो सेरेमनी, तो प्राइम मिनिस्टर नेचुरली फोटो खिंचाएगा ही भाई, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा ली वहीं पे राष्ट्रपति भवन में, और भी बहुत लोगों के साथ, सब लोग के साथ। तो ऐसे देखो हमारा तो यही काम, हमें तो लोगों को भगवान से जोड़ना है इस तरह का, और इतना अच्छा ठीक हुआ वो क्रैक कि जैसे बच्चों का होता है ना पैर, उस तरह से सॉफ्ट हो गया उसका पैर। अभी भी कभी कुछ दिक्कत होती है मेरे को फोन करते हैं, मैं दवा बता देता हूँ, होता ही रहता है, बड़ौदा में रहते हैं, बहुत बड़े समाज, बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, योगाचार्य, संस्कृताचार्य, वेदाचार्य, सब है, बहुत विद्वान, बहुत ही आपका विद्वान। ये सेमिनार सुना था मैंने, इसे हाँ ये सुना था ना आपने कि काफी ज्यादा बहुत विद्वान व्यक्ति, देखने से भी लगेगा आप तो स्मार्ट, गोरे से, लंबे से, और इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर हैं इलेक्ट्रिकल के, वो भी NIT, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, इतना काफी है आप लोग के लिए डॉक्टर साहब। काइंडली हाँ फॉर नमस्कार डॉक्टर साहब, अब जितना बताएंगे उतना कम रहेगा, यहाँ पर सब भुखर बैठे हुए हैं, बुलिमिया वाले, खाते जाओ हाँ खाते जाओ। तो आप समझाते हैं तो बताए ना, बेसिक आप इतना अच्छा समझाते हैं, सिंपल वर्डों हाँ में कोई नहीं समझा सकता। इसलिए अभी मैं है आज, रहेगा, अभी 22, अभी और हाँ रहेगा, आज इसी इसी साइड मैं हुआ जो जितना इतना रहेगा स्ट्रांग उसी हूँ, बता अभी दो। जो भी कहते हैं ना कि हाँ इतने हैं, तो मेरा बेस इन्होंने ही तैयार किया है, नहीं तो मैं आज वहां नहीं होता जहां पर गुड हूँ। मॉर्निंग, प्लीज सब आप आप सब कोई अपने मेहनत से करता है। सर रिकॉर्डिंग हाँ भेज दीजिएगा और एक बार सुनना पड़ेगा। आप लोग लिख लीजिए, आपको इसलिए मैं बोला था लिख लिख लीजिए, आप सिंगल सिंगल सेंटेंस ना सर छोटा छोटा, रिकॉर्डिंग मिलेगा सबको। हाँ लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर सर, अब सरिंदा किसी और दिन अभय दादा दीजिएगा ना, चांस तो मैं हफ्ते में फिर। एक दिन, हफ्ते में एक या दो दिन इनका कंपलसरी कर दीजिए बेसिक के लिए, मॉर्निंग में हो किसी भी समय, उनके कन्वीनियंट जो भी समय हो, तो बेसिक जी सीखना एक बहुत दिन और जरूरी है, बेसिक दीजिएगा, के मैं लिए तो फिर और फाउंडेशन ये मजबूत जो होगा तभी होगा। तो एक दिन और मैं जो और मेडिसिन ये तो मैंने आपको बताया इसका फील है ना, और हफ्ते में एक बार कंटिन्यू कर इसी दीजिए सब ना, मेडिसिन का वांट्स क्या है, इसकी चाहत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं बताऊंगा एक दिन आपको। ठीक है, जी ये तो सर। इसकी फीलिंग है इतना जो मैंने बताया, अभी क्या चाहता है ये सारी मेडिसिन उसको भी करेंगे। जी ठीक है सर, डॉक्टर साहब। बाइंड अप करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ के
एक्वानाइट का जो वो डिलूजन बॉडी पार्ट डिफॉल्ट है, थोड़ा सा उसके ना, बारे में ऐड कर दीजिए। वही बता रहा हूँ ना, अभी बहुत सारे केस है इस तरह के। हाँ, ये जो डिलूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट है ना, उसमें दो मेडिसिन है, एक्वानाइट और सैबेडिला। ठीक है, एक्वानाइट में आप जनरली, मैंने जो देखा है, ये जो वाइटल पार्ट्स है हमारे बॉडी के पांचों, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तब उसको मरने का डर आ जाता है। एक्वानाइट क्लियर डेथ आ जाता है, इसीलिए बचना चाहते, इसीलिए इसका जो डेथ है ना, टाइम हैज कम, से बचने के लिए ये कैरी डिजायर टू बी फास्ट, वरना अभी नहीं मरना है डॉक्टर, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। और जनरली आप समझ लीजिए कि 90 to 99% केस में, जब तक ये पांचों वाइटल पार्ट्स में कुछ ना कुछ खराबी आएगी, तब तक पेशेंट इस बात को नहीं बोले। और एक्वानाइट का ऐसा ही इसी तरह का एक्सप्लेन रहे, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि किसी का ब्रेन ट्यूमर है, किसी का किडनी खराब है, किसी का हार्ट खराब है, किसी का लंग्स खराब है। ठीक है ना, ये पांचों वाइटल पार्ट्स जब भी इफेक्ट करेंगे तो पेशेंट को ये डर बैठना ही है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना दिया है मेडिसिन इसी में ही दी, और रिजल्ट मिलता है। अभी तक हमारे अपने ही एक डॉक्टर थे, मैं बताता था बार बार, क्लास में भी रहते थे, उनका ऐसे ही हुआ था, लंग्स पूरा खत्म और किडनी लीवर भी पूरा पूरी तरह से खत्म, और करीब 1 साल वो बचे रहे। बोलते, देख मेरी बेटी की शादी करनी है, पहले दिन बोला था उन्होंने, और मैं 2 कदम भी नहीं चल पाता हूँ, बिस्तर पे लेटे लेटे ही दवाई देता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं केवल बाथरूम जाता हूँ और फिर आके लेट जाता हूँ। इसी पे मैंने डिलूजन बॉडी डिफॉर्म सब पा, और फियर डेथ, नहीं मरना है अभी, बेटी के मतलब बेबी का विवाह करना है, ये उनके दिमाग, अभी मेरी उम्र, अभी कुछ दिन के लिए मेरे को बचा लो, विवाह कर लूंगा फिर ठीक। तो ये कैविटी जाते भी फास्ट, ठीक है, लंबा होता है उनका, तुरंत नहीं होती बाकी जी सर, बाकी मेडिसिन से। ठीक है, अभी समझ गए। और उसमें क्या होता है, सेवेडिला का क्या है, डिल्यूजन बॉडी पार्ट या श्रंकेन है ना, सिकुड़ गया है, काला पड़ गया है, क्रूप हो गया है ना, ये रहेगा वहां पे। लेकिन यहाँ जी पे सर, अंदर का जो है पार्ट, वाइटल पार्ट्स उसमें, ठीक है, बंद जी करें। सर, हाँ, यस तो सर, आपको कभी जाना होगा क्लिनिक। जी सर। तो प्लीज सर, हमारी आई एच प्लीज एफ एक सर सर प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं बोलिए। हाँ भाई हाँ बोलिए कुमार बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मैं बहुत बहुत मनपूर्वक आपको धन्यवाद देने के लिए बात कर रही हूँ सर। बहुत वंडरफुल टीचिंग, और आपने इतने इजी वे में इतनी सारे केसेस, इतने रूब्रिक्स, रेमेडीज, तो मैं बोलती हूँ 25-30 हो गए आज ऑलमोस्ट। ऑब्जर्वेशन आपका, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। और सर ऐसा लग रहा था आज सेशन नहीं हो रहा है, घर का कोई मुखिया जो है ना, वो अपनी ज्ञान की धारा हम के रूप में हम पे उसके आशीर्वाद बरसा रहे, ऐसा लग रहा था सर। तो मेरी विनती आपसे यही रहेगी कि ऐसे ही आशीर्वाद देने हमको, हम सब बच्चों के लिए, आप हाँ, कृपया जरूर अपना जरूर, थोड़ा वक्त मैं तो यही निकाला चाहता दीजिए हूँ। सर। और देखिए, मैं परवीन सर को बेसिकली भी तो लाख डॉक्टर लाख था धन्यवाद नहीं। दूंगी ये अरेंजमेंट के लिए सर। और बहुत बहुत अच्छा लगा सर, ऐसा सेशन लगा ही नहीं, ऐसे लग रहा था कि बस आप बोलते जाओ और हम सुनते जाए सर। सुनते रहिए, सही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ ऑब्जर्वेशन कि आप बहुत लोग अच्छा सीखिए, था। और ये बहुत बहुत भारी नहीं है सीखना, ये बहुत आसान है सीखना, आसान थोड़ा है, सा आप, लेकिन वो आप लोगों से सुनने के बाद आसान होता है सर, हाँ तो थोड़ा सा इसलिए आप तो लोग गुरु ध्यान का दें महत्व ना। इसलिए है ना सर। माधुरी मैम, हाँ सर, इसके लिए डेडिकेशन भी साथ में चाहिए। हाँ सर वो ये तो देंगे अकेले हम पढ़ते लोग। हैं और ये हाँ सारे नोट्स बनाते, इनके पास नहीं नहीं करके भी ना 150-200 कापियां कॉपी होंगी, ये पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो सर आप भी हमारी तरफ से सर को रिक्वेस्ट कीजिए आने के लिए, फिर से हम डेडिकेशन तो पक्का हाँ, देंगे सर, नो ना डाउट। ना ये तो है, बस वो डेडिकेशन भी चाहिए।
ये जो जो पढ़ाया गया ना उसको आप घर में जाकर उसको लिख डालिए आप, जब बिल्कुल लिख डालते पक्का हैं ही तो वो हो दिमाग में जाएगा सेट सर। होता है, हाँ सर, तो जब ऐसे करेंगे तो उनके दिमाग में रहता है। जैसे हम लोग कभी भी पूछते थे ना तो ये कभी भी रिपोर्टरी नहीं निकालते थे, सीधे मुझे हाँ ये ले लो। और मेरी एंट्री भी इनके साथ परिचय जो हुआ था बहुत पहले एक बार, तो वो लैपटॉप में जो ये आते हैं उसके हिसाब से हुआ था। एक डॉक्टर केसी चौधरी है, अभी उनकी उम्र 92, 92 ईयर्स पार हुआ उनका बर्थडे, मतलब बनाया उन्होंने उस दिन पहले। तो अभय जी और हम लोग उनके यहाँ जाते बैठते थे, ये बहुत ओल्ड थे तो वो बांडोगरा से आते थे, मैं तो यहाँ से लोकल पहुंच जाता था। और मैं इनके यहाँ जाके 1.5 साल तक मैंने कांस्टेंट, धूप हो गर्मी हो बरसात हो, एक दिन भी नादा किए बिना सुबह 7 बजे निकलता था, 11:10, 10:30, 11 बजे वहां से निकलता था। कोई बात तो नहीं, इनका जितना देखा है मैंने, मेहनत करेंगे उतना हमेशा अच्छा होगा। हमेशा जो है वो इनका हर नोट बना होता था, जो कि हम लोग बोर हो जाते अकेले अकेले पढ़ने में। नहीं सर, तो वो तो इन्होंने होता जो नहीं किया है उसको इतना, दोबारा आप पढ़िए लिखिए और उसमें से कुछ ऐड करके दूसरों को भी बताइए, बिल्कुल पक्का तो ये सर। बहुत इजी है। देने वाली भावना रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा जो जो करेंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। जी सर, जी ठीक है जी, थैंक यू, और थैंक यू प्रवीण मनोज थैंक यू वेरी मच, आज जी। अभय दा को आप लेके आए, और इनका एक जी सेशन हफ्ते में एक बार कंटिन्यू कर दीजिए। नमस्ते लियाकत सर, नमस्ते और मनोज लियाकत भाई, दादा भी हैं। दोबारा जी अभय सर, गुड थैंक यू मॉर्निंग। वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनोज अरे हम लोग तो ने मिलते ही एक थे, सेमिनार में तो मिलते ही थे, है बिल्कुल ना? आप आगे बैठ बिल्कुल के रिकॉर्डिंग बिल्कुल करते थे। सर बिल्कुल सर मनोज ने बहुत अच्छी बात बोला आज माधुरी को बोलते बोलते, देने वाली भावना रखिए, नहीं, मेरे को लोगों वही को बहुत अच्छा। सिखाने में, जो मैं जानता हूँ सब आप लोग सीख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है डॉक्टर साहब, जी, हाँ बाकी नमस्ते तो हमारी IHA फैमिली की ओर से हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और सीनियर मेंटर डॉक्टर अभय कुमार सर का बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार सेशन के लिए। और जैसा कि रिस्पांस भी आ रहा है, सभी को बहुत कुछ आज के सेशन से सीखने को मिला है, और 20-22 मेडिसन सर ने कवर किया है उनकी कोर फीलिंग के साथ, और बहुत सिंपल तरीके से कि आसानी से सब डाइजेस्ट कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें। तो आगे भी सर का आशीर्वाद हमको ऐसे ही मिलता रहेगा, जैसे जैसे सर को सुटेबल होगा हम उनका सेशन हमारी IHA फैमिली में करते रहेंगे। तो आप सभी के सपोर्ट के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर लियाकत नमोल सर, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, इनका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। धन्यवाद धन्यवाद।